सूर्य कुमार पिछले मैच में भी उन्होंने इंडिया को एक अच्छा मैच जिताया था, इट वॉजेंट ईजी ऑन दैट विकेट। यहाँ पे आके उन्होंने फिर अपना क्लास शो किया, अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए और जिस तरह उन्होंने वसीम अकरम को हक किया मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद, वर्ल्ड कप एब्सोल्युटली। सो ये दिस इज हाउ इट इज। और ये देखें आप, व्हेन यू गेट द चांस टू प्ले फॉर योर कंट्री इन अ बिग टूर्नामेंट लाइक दिस, तो यहाँ पे परफॉर्म करके आप बड़े स्टार बनते हैं। इर्द गिर्द हमारे दाएं बाएं जितने भी हमसाए हैं वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अफगानिस्तान इंडिया का मैच हुआ, बांग्लादेश इज प्लेइंग, इंडिया इज ऑब्वियसली देयर, अफगानिस्तान हैज जस्ट प्लेड दिस मैच। इफ समबडी इज नॉट देयर इट इज पाकिस्तान एंड इट इज रियली एम्बैरेसिंग एंड इट इज हार्ट ब्रेकिंग। इट इज नॉट एम्बैरेसिंग, इट इज एम्बैरेसिंग, क्योंकि हमें हम नहीं है इन पोजीशंस पे इस फील्ड में जाने में जहां हम इसमें भी पहुंच गए। ठीक है, लेकिन एम्बैरेसिंग तो मैं इसलिए नहीं कहूंगी जैसे एम्बैरेसिंग होना कि मतलब वी हैव डन वेरी वेल इन द पास्ट एंड वी विल डू वेरी वेल इन द फ्यूचर, दिस इज जस्ट नॉट आवर टाइम, तो वी आर नॉट रेडी फॉर इट, वी आर नॉट फिट फॉर इट। अभी हमारा थिंकिंग कि वी विल डू वेरी वेल इन द फ्यूचर एंड नॉट रियली फील कि क्या हुआ है और किस वजह से हुआ है, तो फिर तो हम बैठे ही रहेंगे। कंडीशन को कैसे असेस करना है और वहाँ पे कैसे अपनी बॉलिंग को अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, कि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने साबित किया कि क्यों वो दुनिया के बड़े एक्साइटिंग T20 प्लेयर्स जो है वो रेड किए जाते हैं। आई थिंक उन्होंने मैच बिल्कुल अफगानिस्तान की दस्तरस से दूर कर दिया, 150-160 की विकेट थी, दे स्कोर 180 देयर, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग वी सीन बाय सूर्य कुमार यादव इन इंटरनेशनल क्रिकेट। पर से विकेटें गिरी बट सूर्य कुमार यादव हु अडैप्टेड द कंडीशंस, और उसके हिसाब से ऐसी नहीं 360 डिग्री कहा जाता सूर्य कुमार यादव को, ही अडैप्टेड द कंडीशंस और उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करके जहां चौका छक्का मारना था या जहां सिंगल लेना था ही डिड इट एप्टली। जो काउंटर अटैक आके किया, स्पेशली राशिद खान उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक थे अफगानिस्तान के बॉलर, आप देखें उन्होंने उनको आके कैसे अटैक किया। अब जब अपोजिशन के सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक को अटैक कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बैकफुट पे चले जाते हैं, तो उनकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि उन्होंने जो स्वीप शॉट खेले अगेंस्ट राशिद खान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को मात दे दी थी। भारत का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के साथ होना है। बताते चले कि पहले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह का मैजिक देखने को मिला है। सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों में 53 रन बनाए थे और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। बताते चले कि सूर्य कुमार यादव को जिसने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया था वह थे वसीम अकरम। वसीम अकरम और सूर्य कुमार यादव के बीच थोड़ी बहुत बात हुई और वसीम अकरम और सूर्य कुमार यादव ने एक दूसरे को हक भी किया। बताते चले कि इस शानदार जेस्चर को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की जल चुकी है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जहां एक तरफ वसीम अकरम भारतीय टीम की तारीफ करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम को हमेशा हड़काते रहते हैं, मतलब कि पाकिस्तानी टीम की बुराइयां बताते रहते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि वसीम अकरम और सूर्य कुमार यादव के बीच जो ये मोमेंट था वर्ल्ड कप का मैजिक मोमेंट कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारतीय टीम के पास ऐसे बल्लेबाज और ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी टाइम मैच को पलट कर रख देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने हार्दिक पांड्या की भी तारीफ करते हुए कहा है कि ऐसा ऑलराउंडर किसी के पास नहीं है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से गेम चेंजर हो। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या वाज आल्सो ड्यू फॉर रन्स, और उन्होंने रन्स किए, बॉलिंग तो वो अच्छी करा ही रहे थे। ये होता है एक ऑलराउंडर जो है ना उसको दोनों चीजें चाहिए होती हैं, अगर वो बॉलिंग अच्छी करता है तो ही विल डू बैटिंग गुड एज वेल, और वो उन्होंने दिखाया। जो हम अपने प्लेयर्स के साथ करते हैं एक ऑलराउंडर की तरह लेते हैं, उसको बॉलिंग नहीं कराते तो ये फर्क होता है। जैसे ही ऋषभ पंत आया उनको लेग साइड पे बॉलिंग बॉल की गई, वो 11 पे 20 बना के चले गए, वो मोमेंटम दे के चले गए। उसके बाद आपने देखा कि सूर्य कुमार पिछले मैच में भी उन्होंने इंडिया को एक अच्छा मैच जिताया था, इट वॉजेंट ईजी ऑन दैट विकेट, यहाँ पे आके उन्होंने फिर अपना क्लास शो किया, अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए और जिस तरह उन्होंने वसीम अकरम को हक किया मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद, वर्ल्ड कप एब्सोल्युटली। सो ये दिस इज हाउ इट इज। और ये देखें आप, व्हेन यू गेट द चांस टू प्ले फॉर योर कंट्री इन अ बिग टूर्नामेंट लाइक दिस,
तो यहाँ पे परफॉर्म करके आप बड़े स्टार बनते हैं. सूर्य कुमार यादव वॉज ड्यू फॉर रन ऑन सच अ हाई लेवल एंड नाउ ही स्टार्टेड टू डू इट. अब आप देखें इस ग्रुप में बड़ा क्लियर आपको दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है ना फेवरेट हो गए हैं बिकॉज वो दोनों बड़ी टीम है. अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन टीमों को हराना भी और सेमीफाइनल की तरफ जाना भी. बिल्कुल आपने ठीक कहा और दोनों फेवरेट टीमें इस वक्त फेवरेट की तरह भी खेल रही हैं. अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा. और हमारे बॉलर्स भी आप पिछले ये जो जोड़ी तीन चार बॉलर हमारे खेल रहे हैं दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का. लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स गुड बॉलर्स बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई जो हम बात हाँ जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना कि अब हम ये बात जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं. नहीं शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए. उसका इनस्विंग बहुत अच्छा है अब उसने ग्रेजुअली आउटस्विंग करना शुरू किया है बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इनस्विंग ही करना है. तो यहाँ पर थोड़ा सा और फिर कंडीशन को असेस करना जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है स्लो है थोड़ी उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी. तो वो बुमराह आए उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि दो बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया. सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस कि आपको बैट्समैन का पता होता है बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं. तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत का टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भारत को अभी तक किसी भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही जीतने में भारत को कोई भी डिफिकल्टीज आई हैं. बताते चले कि अफगानिस्तान मैच में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था लेकिन सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी कर टीम इंडिया का स्कोर 181 रन पहुंचा दिया था. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के पास स्पिन और फास्ट दोनों बॉलिंग का अटैक बहुत ही शानदार है. फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह हैं और स्पिन बॉलिंग अटैक में कुलदीप यादव हैं और दोनों का तोड़ निकालना बहुत ही मुश्किल है. इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत के पास तीन अच्छे ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा और ये तीनों ऑलराउंडर बैटिंग और बॉलिंग दोनों जगह से अपना परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं. भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस और इस शानदार जीत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत का अब सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस ग्रुप से निकल जाएंगे और भारत और ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से आगे बढ़ जाएंगे. पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इस वर्ल्ड कप में अभी तक भारत की जैसी परफॉर्मेंस है वो काफी लाजवाब है और हो सकता है कि भारत यह वर्ल्ड कप उठाने में भी कामयाब हो जाए. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही. तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ. सुनो चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए. थैंक यू.